अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका अमले ने की दुकानदारों से मारपीट, जमकर मचा अतिक्रमण। हटाए जाने के दौरान पुल दरवाजे बड़ौदा रोड पर बवाल। हम आपको बता दें कि मंगलवार की सुबह नगर पालिका प्रशासन अपने अमले को लेकर बड़ौदा रोड पुल दरवाजे पर अल सुबह दुकानों के आगे से अतिक्रमण हटाने को लेकर पहुंचा। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने से एक दिन पूर्व नगर पालिका द्वारा दुकानदारों को अपनी अपनी दुकानों के आगे से स्वतः ही अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर नोटिस भी दिया गया था। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रशासन विधि के नियम में ये है कि किसी भी चीज़ का अतिक्रमण होता है तो विधिवत उसको नोटिस दिया जाता है और उसको तोड़ा जाता है। पर यहाँ पर प्रशासन ने जो विधिवत लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था जैसा भी उन्होंने उसको नोटिस दिया जाना चाहिए और उसके बाद उस कार्रवाई को करना चाहिए। उसको समय दिया जाता है विधि के नियम से। यदि लोगों को नोटिस नहीं दिया गया है तो ये एक दबंगाई वाली बात हो जाती है। प्रशासन ऐसा ना करे, प्रशासन पहले लोगों को नोटिस दे उसके बाद ही चीजें करे। विदाउट सूचित किसी को सूचना कहे उसका अगर कार्रवाई होती है तो ये विधि के नियम में नहीं है। विधि का नियम यह है कि लोगों को बराबर उस चीज की सूचना दी जाती है और आगे की कार्रवाई होना चाहिए। हम ये नहीं कहते अतिक्रमण नहीं हटना चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए, ये वही नहीं। लेकिन सभी नेताओं का भी अतिक्रमण हो रहा है, सभी नेताओं का अतिक्रमण भी टूटना चाहिए। हमारा ये निवेदन है, आप किसी भी जनता को परेशान प्रशासन ना करें। बाजार में अतिक्रमण हो रहा है, दिया जाना चाहिए। ये प्रशासन की दबंगई है, गरीब लोगों को सताया जा रहा है। कोई एम्बुलेंस में उसकी लाचारी हो, कोई मर जाए, कोई बीमार हो एम्बुलेंस के अंदर, तो विजय वर्गी के सामने, कपड़े वाले के सामने इतना जाम रहता है, बस आदर प्रशासन बोल हो जाता है, बिल्कुल नहीं बोलता है। सत्ता में बैठे इंसानों से जान पहचान है क्या, क्या रिश्तेदारी क्या उनकी? दादागिरी सरकार की, दादागिरी पूरी है, तानाशाही सरकार, गरीब लोगों को सताया जा रहा है सरकार, तानाशाही सरकार, बीजेपी सरकार मुर्दा। किस तरह के आरोप लग रहे हैं? किस तरह के आरोप? सबसे पहले तो टॉयलेट आए गए सर, सबसे पहले तो, फिर उसके बाद में हमारे ये जो हमने दिया गया फिर डाउट नोटिस दिया गया, सबसे पहले नोटिस दिया गया, उधर नहीं पहुंचे, कई जगह नहीं गए। मेरा नाम मोहम्मद मुजफ्फर के लिए नोटिस दिया गया सर, मेरी दुकान है अजमेरी स्पीकर की दरवाजे बार, नोटिस दिया गया सर, नोटिस दिया गया है, मगर नोटिस सुनिए, रात में रात को 9 बजे नोटिस लगाया है, रात को 9 बजे नोटिस लगाया गया है, आपको नोटिस दिया, कोई बात नहीं हमें दिया, हमारे यहाँ पे नोटिस चिपका दिया गया है रात को 9 बजे और सुबह आके 7:30 बजे दुकान तोड़ दी गई है। कहाँ का न्याय है? दिन में आते, दिन में बात करते, हम तैयार थे बात करने को, सहमति देते हैं, हम सहमति आपकी समझते हैं, कैसे करना है कैसे नहीं करना आप समझाते हैं हमें, मगर आपने हमें नोटिस दिया रात के 9 बजे लगा दिया। क्या नाम भैया? बड़ौदा रोड पाली पुल दरवाजे पर अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका द्वारा कार्रवाई की गई, कितनी दुकानों का अतिक्रमण हटाया गया? लगभग 35 से 40 दुकानों का अतिक्रमण हटाया गया है, जिसके अभी कायदेन क्या है कि माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी महोदय और नगर पालिका के पास शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि आवागमन बाधित हो रहा है, आए दिन जाम लगते हैं, वहाँ से निकलने वाले लोगों को, नगरवासियों को दिक्कत हो रही थी वहाँ पे, है ना, आना आने जाने में, इसीलिए ये कार्रवाई की गई है कि जो नाले के ऊपर जो अतिक्रमण था और नाले के आगे था उसको हटाया गया है। जो दुकानदार भाइयों के आधिपत्य में जो लैंड है, उनकी दुकानें हैं, उस पर हम लोगों ने उसको प्रभावित नहीं किया है। एक जानकारी और मिली है कि अतिक्रमण के दौरान दुकानदार और नगर पालिका अमले के बीच में लिया दी यानी झगड़े वाली नौबत आई, क्या कारण रहे झगड़े के? झगड़े के कारण यही रहे कि जो सामने वाले व्यक्ति ने नगर पालिका कर्मचारी के ऊपर हाथ उठाया, तो इस पर इसी वजह से ही हल्का फुल्का उसमें झड़प हुई है, ऐसा कोई विशेष मतलब झड़प या विवाद नहीं है। आगे अतिक्रमण को लेकर क्या योजना सर और क्या कार्रवाई की जाएगी पूरे शहर में? आगे जिला प्रशासन माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में और माननीय एसपी सर के निर्देशन में नगर पालिका की ये तीनों डिपार्टमेंट मिलकर आगे की रणनीति बना रहे हैं, जिससे कि
सबसे पहले जो शहर की मेन रोडों का जो अतिक्रमण है, नाले के पीछे तक ही सभी दुकानदार भाई रहें, अन्यथा की स्थिति में उनके अतिक्रमण को कभी भी नगरपालिका और पूरे प्रशासन के द्वारा हटाया जाएगा।